केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की है। उन्होंने सरकारी भवनों में गोबर पेंट के इस्तेमाल के आदेश को सराहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं और इसलिए कई दिग्गज नेता उनकी तारीफ भी करते हैं। अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम बघेल की तारीफ की है। उन्होंने सरकारी भवनों में गोबर पेंट के इस्तेमाल के आदेश को सराहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागीय निर्माणों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के इस्तेमाल का आग्रह करते हुए अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन करता हूं। उनका यह निर्णय सराहनीय और स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई मंत्री रहते हमने इसकी शुरुआत की थी। प्राकृतिक पेंट का उपयोग न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि किसानों को रोजगार का एक नया अवसर भी प्रदान करेगा जिससे देश के किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम बघेल की इस योजना के लिए सराहना की तो जवाब में मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी का आभार जताया और उनकी तारीफ की। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि सादर धन्यवाद नितिन गडकरी, छत्तीसगढ़ की सरकार के इस कर्मयोग को एक कर्मयोगी ही समझ सकता है। सिर्फ बातों से नहीं नेक इरादों से देश और प्रदेश दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। गोधन और श्रम का सम्मान गांधी का रास्ता है, हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम बघेल रायपुर से बलौदा बाजार भाटापारा के लिए निकले। इस दौरान हेलीपैड में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, जितने भी स्कूल बन रहे हैं उनमें प्राकृतिक पेंट से पुताई होगी। राजधानी के जो नगर निगम के कार्यालय है उसकी पेंटिंग हम लोगों ने की और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब जितने भी स्कूल बन रहे हैं जिस संधारण के लिए हमने लगभग 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है तो उसमें जितने भी पुताई होगी पेंटिंग होगी वो प्राकृतिक पेंट से होगी। छत्तीसगढ़ के सभी भवनों में अब रंग रोगन केवल गोबर के पेंट से किया जाएगा। इसके लिए सीएम बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखना और लोगों को रोजगार देना है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 10।